भैया, जल्दी से गर्मा गर्म समोसे खिला दो, बड़ी भूख लगी है। अरे जल्दी जल्दी मत करो, मेरे समोसे खाने हैं तो इंतजार करना होगा। अच्छी चीज के लिए इंतजार करना पड़ता है कि नहीं? अरे ये क्या बात हुई, मोटू ने तुमसे समोसे ही तो मांगे थे, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? जब देखो जल्दी में रहते हो, हमेशा VIP ट्रीटमेंट चाहिए। अरे मेरे समोसे बड़ी बड़ी कार वाले खाने आते हैं, और हाँ मेरे समोसे इस इलाके के सबसे बढ़िया समोसे हैं। खाना है तो चुपचाप बैठे रहो, जब मेरा बाकी काम निपट जाएगा तब खिलाऊंगा समोसे, इंतजार करो। हाँ चाय वाले भैया, इतना घमंड सही नहीं है, माना कि तुम्हारे समोसे सबसे बढ़िया होते हैं, उन जैसा कुरकुरा, उनके जैसा आलू, उसकी जैसी खुशबू किसी और के समोसे में नहीं है, फिर भी इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। चाय वाले मोटू सही कह रहा है, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता है। अरे घमंड क्यों ना करूं? जाओ कहीं और खा लो। चाय वाले इतना घमंड, मैं भी तुम्हारी दुकान के सामने समोसे की एक दुकान खोलकर तुम्हारा धंधा बंद करवा दूंगा, तुम्हारा घमंड चकनाचूर कर दूंगा। चलो पकड़ो। चिंगम सर लो, पहला समोसा खा के मेरी दुकान का मुहूर्त करो। लाओ लाओ लाओ, थैंक यू। सर कैसा लगा, टेस्टी है ना? इतनी मिर्ची डाल दी, पानी लाओ, पानी 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 पानी। बन गए समोसे। सॉरी चिंगम सर, वेरी सॉरी, मैं फिर से बनाता हूँ। ऐ पतलो, समोसे तुम क्यों नहीं बनाते हैं? मोटू से तो कम से कम अच्छा ही बना लोगे। चिंगम सर ये चैलेंज मोटू ने लिया है, इसलिए वही बनाना चाहता है। वैसे भी मैं तो चाय वाले से अच्छे समोसे बिल्कुल नहीं बना सकता। राम, अब तुम खाकर बताओ कि समोसा बना कैसा है। अरे अब की बार कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हाँ हाँ लाओ। अरे समोसा टेस्ट करने का हमारा 20 साल का तजुर्बा है। उड़ी बाबा, लगता है सारा समुंदर के पानी का नमक हमारा ही समोसे में डाल दिया है। पानी पानी पानी। और बनाओ समोसे, देख लिया, सिर्फ सामान मिलाने से ही बढ़िया समोसा नहीं बन जाता। हाँ मोटू, तुम्हें अभी भी समझा रहा हूँ, ये जिद छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं टेस्टी समोसे बना कर रहूँगा। भैया अब जरा तुम खाकर बताओ। मोटू मेरे भाई, मेरे यार, मैं घर से पेट भर के नाश्ता करके आया हूँ यार। हाँ। नहीं नहीं, तुम तो मोटू के बड़े भाई हो, तुम्हें तो समोसा टेस्ट करना ही पड़ेगा। बड़े भैया बताओ ना, समोसा कैसा बना है? यार मोटू मेरे भाई, मेरे यार, तुमने समोसे में क्या ग्लू डाला था? हाँ ये देखो यार। नहीं मुझे रोना नहीं है, चाय वाले अपने समोसे में क्या क्या मिलाता है, अगर वो रेसिपी मुझे मिल जाए बड़े भैया, तो मेरे समोसे भी वैसे ही टेस्टी बनेंगे। बड़े भैया आप प्लीज पता करो, प्लीज। अच्छा तो छुप के देख रहे हैं मैं समोसे में क्या क्या मिलाता हूँ, अब देखो मजा। हाँ मोटू रेडी, अब उसने आलू में नमक डाला, अब मिर्च, अब। अरे वो मोटू क्या जाने कि समोसे का असली स्वाद कैसे आता है, समोसे में तो धरती माँ का प्यार, उसकी मिट्टी की सौंधी सौंधी महक होनी चाहिए। तू धन्य है धरती माँ। अरे यही तो है मेरे बढ़िया समोसों का असली स्वाद। ओए मोटू मेरे भाई, मेरे यार, चाय वाले ने असली सामान धरती माँ का प्यार एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी यार। तो इसीलिए उसके समोसे में इतना ज्यादा स्वाद होता है, ऐसा लगता है कि जैसे माँ ने अपने हाथों से बनाए हो। थैंक यू भैया, थैंक यू। आ जाओ आ जाओ।
अरे मोटू, वो चाय वाला तुम्हें बुद्धू बना रहा है। अरे तुम चुप करो, यही तो उसका सीक्रेट है टेस्टी समोसे बनाने का। लाओ भाई मोटू, समोसे खिलाओ। हाँ हाँ भाई मोटू, मुझे भी खिलाओ। समोसे के अंदर आलू डाला है कि मिट्टी? मिट्टी खिलाता है, मारो इसे। अरे तो क्या हुआ, धरती माँ का प्यार ही तो मिलाया था। अच्छा प्यार मिलाया भाई, ये ले ये ले, मिट्टी खिलाता है, ये ले ये ले, मारो इसे। क्या हुआ, टेस्टी समोसे बन गए? अरे नहीं बने, क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो? पतलू, तुम्हें तो समोसे बनाने आते हैं ना, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। नहीं करूंगा, क्योंकि तुम गलती कर रहे हो। माना कि चाय वाले ने भी गलती की है, पर दोस्ती में कभी कभी ऐसा हो जाता है। नहीं, मैं उसके टेस्टी समोसे का राज जान कर ही रहूंगा। मुझे पता है, उसकी एक डायरी है और उस डायरी में टेस्टी समोसे बनाने की रेसिपी लिखी है। मैं रात के अंधेरे में वो डायरी चुरा लूंगा। रात को आ, बताता हूँ। अरे दे रहा हूँ, सबको मिलेगा। चाय वाले भैया, देखा मेरी दुकान कैसे चल रही है। आओ भैया, आ जाओ, मिलेगा भैया, मिलेगा। क्या मिला? मारो इसे, पता नहीं क्या खिला दिया हमें। उसे में क्या डालता है? मेरी दुकान बंद कराने वाले। चाय वाले भैया, मोटू जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन तुमने जो किया वो भी तो गलत था। अहंकार अच्छा नहीं होता है, अहंकार में आके तुमने मोटू की बेइज्जती कर दी, इसीलिए मोटू गुस्से में आके ये सब कर रहा है। चलो तुम उससे सॉरी बोलो और वो तुमसे सॉरी बोलेगा, और ये झगड़ा यहीं पे खत्म कर दो। पतलो, मेरी दुकान में संतरी से लेकर मंत्री तक समोसा खाने आते हैं, मुझे नहीं परवाह मोटू आता है कि नहीं। जाओ, जो करना है कर लो, मैं तो सॉरी नहीं बोलूंगा। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अरे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, कुछ करो पतलू, कुछ करो ना। आइडिया। बड़े भैया, अब समोसे खा कर देखो, मैंने बड़े एक्सपेरिमेंट्स के बाद बनाए हैं। हाँ मोटू, कमाल है मेरे भाई, मेरे यार, क्या कमाल के समोसे बनाए हैं यार। हमने अपना 20 साल का तजुर्बा में ऐसा समोसा कभी नहीं खाया। वेरी गुड। अरे भाई पहले मुझे दो, पहले मैं आया हूँ, मुझे दो। अरे वाह मोटू वाह, क्या समोसे बनाए। हाँ भाई, तुम्हारे समोसे तो चाय वाले से भी अच्छे हैं, समोसे हो तो ऐसे। अरे भाई मुझे दो, दुनिया के सबसे टेस्टी समोसे मुझे दो। मुझे 4 दर्जन दो। हाँ। अरे भाई मुझे भी दो, बहुत टेस्टी समोसे हैं, मुझे 2 दर्जन। अरे हे ऊपर वाले, एक रात में मोटू ने ये क्या चमत्कार कर दिया। अरे ये क्या कर डाला भाया, मेरी दुकान बंद करवाओगे क्या? अरे मुझे तो कोई और काम भी नहीं आता। तुम्हें अपने ही हाथों के बने समोसे पर बड़ा घमंड था ना? देखो अब मोटू ने कोशिश करके तुमसे अच्छे समोसे बनाना शुरू कर दिया है, चाहो तो तुम मोटू की दुकान में नौकरी कर लो।
अरे मुझे माफ कर दो, अरे गलती हो गई भाया, मुझे सबक मिल गया कि कभी भी अपनी कला पर घमंड नहीं करना चाहिए। अरे मैं सॉरी बोलता हूँ, अरे मैं कान पकड़ता हूँ मोटू। अरे मोटू मेरे भाई मेरे दोस्त, गलती हो गई थी, अब माफ कर दो, अपनी दुकान बंद कर दो, अरे मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। ठीक है, इस पेपर पर लिख कर दो कि आज के बाद तुम कभी घमंड नहीं करोगे। हाँ हाँ, ये लो, पर मेरी दुकान बंद मत करवाओ। अरे ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया भैया, माफ किया, वैसे भी हम सब दोस्त हैं और मैं तुम्हारे जैसे समोसे कभी बना ही नहीं सकता। अरे बना तो दिया, देखो तुम्हारी दुकान में सुबह से कितनी भीड़ थी। अरे वो तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए हमने किराए पे बुलाया था, सब नाटक हो रहा था। अरे तुम लोग बड़े बेईमान हो भाया। चाय वाले भैया, तुमने वादा किया है कभी घमंड नहीं करोगे, चलो अब अपने हाथों के बने गर्मा गर्म समोसे तो खिला दो। हाँ चलो चलो, आज तो स्पेशल समोसे खिलाऊंगा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।